आपके सामने एक न्यू स्टाइल में शलवार लेके हाजिर हुई हूँ। आज मैं धोती वाली शलवार जो है ना वो आपके सामने कटिंग करके बताती हूँ, साथ में स्टिच भी करूँगी, ठीक है। आई होप तो आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। ये मैंने इसके शलवार के लिए माप दी है। शलवार की लंबाई जो है वो 40 है और इसकी मियानी जो 13 है और बेल्ट उसकी बेल्ट की चौड़ाई 21 इंच है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने देखना है कि शलवार की लंबाई जो है वो मेरे पास 40 इंच है। 40 इंच में मैं बेल्ट भी ऐड करूंगी। बेल्ट जो है हमारा नॉर्मल साइज में बेल्ट जो है वो 7 इंच का होता है, ठीक है। बेल्ट 40 में से 7 जब मैं माइनस कर दूंगी तो वो मेरे पास 33 बच जाएगा, ठीक है। अब 33 बचेगा तो उसमें जब मैंने इसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए मुझे 5 इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा चाहिए। 33 में जब मैं 5 इंच ऐड करूंगी तो वो मेरा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 38 के हिसाब से जो है ना वो मैं कटिंग करूंगी आपके सामने। सबसे पहले मैं 38 जो है ना वो मेजरमेंट करती हूँ। 38 की जो लंबाई लेके मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब मैं इसको तिकोण रखूंगी। तिकोण करने के लिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ। ये मैंने अब इसको इस तरह से तिकोण कर लिया, यानी कि चारों साइड से मेरा एक जितना फैब्रिक होना चाहिए। अब इसके साथ से मैं इसकी कटिंग करके ये तिकोण पीस अपने पास कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से तिकोण पीस मेरे पास आ गया। तिकोण पीस लेने के बाद यहाँ से मैं अपनी लेंथ जो पूरी करती हूँ। लेंथ मेरी यहाँ से जो है वो कितनी होनी चाहिए थी, 33। ये देखें 33 मेरे पास इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी म्यानी का लूंगी। म्यानी मेरे पास जो है वो पूरी मैं यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ जाके ये वाली मैंने इसकी शेप बना दी, ठीक है। म्यानी के लिए ये शेप बना दी, ये मैं कटिंग करूंगी। और यहाँ से पांचे के लिए भी मैं हल्की सी जो है वो शेप कर लूंगी, ठीक है। इसी तरह इधर लास्ट में कॉर्नर से, हाँ ये 2 इंच मैं इधर से लेके ये हल्की सी जो है ना वो इधर से गुलाई कर दूंगी, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से मेरे पॉइंट आपके सामने हैं, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैं इसकी म्यानी कटिंग करती हूँ। ये मैंने इसकी म्यानी कटिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद ये इसकी हल्की सी इस तरह से शेप लेके ये पांचों मैंने कटिंग कर दी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी ये वाली शेप बना दूंगी, ये ठीक है। ये सिंपल इसकी कटिंग है। अब मैं इसका बेल्ट तैयार करती हूँ। यहाँ से मैं अपना बेल्ट निकालूंगी। बेल्ट की चौड़ाई जो है ना वो मैं जैसे कि तैयार हमारे पास 22 चाहिए, 20 ये मैंने 23 रख दी है, ठीक है। चौड़ाई इसकी 23 है और इसकी लंबाई जो है वो 9 रखी है, दोनों साइडों से 9 लेके। और ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, ये मैं अलग से अपनी बेल्ट जो है वो काट लेती हूँ। ये पिन निकाल लिया। अब मैं इसके साथ आपको शलवार रख के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी बेल्ट भी और ये शलवार भी मेरी रेडी हो गई है, ठीक है। ये बेल्ट मेरी इधर से आएगी और उधर से सारी प्लेट्स कवर होकर मेरा इधर साथ आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आएगी। अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताती हूँ। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं इसकी म्यानियाँ जो है आपस में जोड़ लेती हूँ। इधर से भी स्टिच लगा लेती हूँ और ये मैं इस साइड से दोनों साइडों से म्यानियाँ आपस में जोड़ के उसके बाद हम इसके प्लेट्स बनाएंगे। इसकी म्यानी की सिलाइयाँ लगा ली इस तरह से, ठीक है। ये मेरे पास रेडी हो गया। अब उसके बाद मैं इसका बेल्ट तैयार करूंगी। बेल्ट की मैं ये साइड सिलाई लगा के इसके ऊपर चिपटी सिलाई लगा के इसको तैयार करती हूँ। उसके बाद मैं इसको इसके साथ अटैच करूंगी। ये मेरी बेल्ट रेडी होगी। अब मैं इसको शलवार के साथ अटैच करूंगी। ये मैंने शलवार की म्यानियाँ आपस में जोड़ ली। ये कुछ इस तरह से शेप मेरे पास है इसकी ना, ये देखो ये हाफ साइड है, ठीक है। अब इसकी मैंने प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने कॉर्नर से थोड़ा सा गुलाई वाला हिस्सा था उसकी इस साइड से मैंने प्लेट 1 इंच की प्लेट बनानी है। इस साइड पे ऐसे रुखा आएगा इसका, यहाँ से 1 इंच की प्लेट मैं उठाऊंगी और यहाँ पे और ये वाली ऐसे, यानी कि इस साइड से जब जहाँ तक मेरा बेल्ट कंप्लीट नहीं होगा, बेल्ट को साथ रख के मैं देख लूंगी, वहाँ तक मैंने इसकी प्लेट्स बना लेनी है। इसी तरह जो दूसरी साइड से है इसका रुख मैं इस साइड पे करूँगी ये वाला, और ये भी मेरी 1 इंच की जो है ना वो प्लेट तैयार होगी। इस तरह मैं बेल्ट को साथ जोड़ते हुए ये प्लेट्स तैयार करती हूँ। इस तरह मेरी दोनों साइड पे जब प्लेट्स डलेंगी तो यहाँ पे लेयर बन जाएगी। ये देखे मैंने प्लेट्स डाल दी है इनका, यानी कि रुख देखे आमने सामने की तरफ साइड से इस तरह से मैंने रख लिया, ठीक है। तो ये तैयार होके जो है ना वो प्लेट्स इस तरह से मेरे पास आ रही हैं। ये देखे जब ये पहनी जाएगी शलवार तो इसकी ये
इस तरह से बन गई है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है मैं बेल्ट को अटैच करूंगी। ये बेल्ट मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं इसके ऊपर लगा के रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने बेल्ट इसके साथ अटैच कर लिया, ठीक है। अब मैं इसका पांचा तैयार करूंगी। पांचे के लिए ये मेरे पास पांचा है, इसको एक इंच में पट्टी के साथ चेपी लगा के ये मैं इसके साथ चेपी अटैच करूंगी, ठीक है, और इसके नीचे कपड़ा लगा के इसको फोल्ड करके पांचा तैयार कर लूंगी। हाँ जी, ये देखे मैंने पांचे रेडी कर लिए, इस तरह से चेपी लगा के इसके नीचे फोल्डिंग करके ये मेरा पांचा रेडी हो गया, ठीक है। अब इसकी ये नाली वाली सिलाई है, ठीक है, सिंपल इसको उल्टा करके मैं यहाँ से जितना मैंने पांचा रखना है उसके मुताबिक पांचा रख के ये मैं इसकी अंदर वाली नाली की सिलाई जो है वो लगा देती हूँ। ये देखे मैंने पांचा सेट करके इसकी अंदर वाली सिलाई लगा दी, ये इस तरह से मेरे पास आ गई, ठीक है। ये देखिए इसका अब मेरे इसकी बेल्ट के ऊपर जो है ना वो लास्टिक रह गई है, लास्टिक मैंने काट के तैयार करके अपने पास रखी हुई है। ये इसको इधर अटैच करके मैं इसके साथ लगाती हूँ, फिर मेरी सलवार जो है ना वो रेडी है। अरे ये मेरी सलवार स्टिच होगी, इसकी मैंने बेल्ट जो लास्टिक थी वो मैंने लगा ली हुई है। ये देखिए इस तरह से मेरा जो है ना वो सारी अरे ये मैंने इसकी इलास्टिक लगा दी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और ये मेरी सलवार रेडी हो गई है। इसकी ये फ्लेयर देखें इस तरह से आ रही है। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कैसी लगी आपको, और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में तो इसको जो है ना दोस्तों में शेयर करके तो मुझे बताएं, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपने कोई भी वीडियो या कोई सीखनी हो, ठीक है, आइटम, तो आप मुझे बताएं।